श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रण्वन्नूतिभिस्सीदसादनम्। महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनाम वित्र्यवतु। आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागन्तु यज्ञम्। हवन् देवी जुजुषाणा घृताची शग्मान्नो वाच मुशती शृणोतु वाग्देव्यै नमः। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। आज हम सामवेद का उत्तरार्चिक अध्याय 5 अर्ध 1 का सूक्त नंबर 4 पढ़ेंगे और इसमें 6 मंत्र हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सूक्त 4 पहला मंत्र है ऋषिः बृहन्मतिरांगिरसः देवता पवमानः सोमः छन्दः गायत्री स्वरः षडजः। बृहन्मति की माधुर्यमयी तेजस्विता। आशुरर्ष बृहन्मते परि प्रियेण धामना यत्रा देवा इति ब्रुवन्। गत मंत्र में वर्णन था कि जैसे पृथ्वी भ्रमण का केंद्र सूर्य है, उसी प्रकार मैं ज्ञान का केंद्र बनूं। इस प्रकार बना हुआ यह व्यक्ति प्रस्तुत मंत्र का ऋषि बृहन्मति यानी विशाल बुद्धि वाला बन जाता है। ज्ञान के कारण ही समझदारी से चलता हुआ यह विषयों में न फंसने से आंगिरस है। इस आंगिरस बृहन्मति से प्रभु कहते हैं कि हे बृहन्मते यानी विशाल बुद्धि वाले आंगिरस, तू प्रियेण धामना अति प्रिय तेज से आशुह शीघ्रता से कार्यों में व्याप्त होने वाला बनकर परिअर्ष चारों ओर जाने वाला परिव्राजक बन। सर्वत्र विचरण करता हुआ तू औरों के लिए उस ज्ञान के प्रकाश को दे जिसे तूने प्रभु कृपा से प्राप्त किया है। तू इस स्थिति में अपने जीवन का यापन कर यत्र जहां देवाह, अरे ये लोग तो देव हैं, इति इस प्रकार संसार ब्रुवन कहे, तेरा जीवन लोकहित में व्यतीत हो, तू लोगों की दृष्टि में देव बन जा। तो भावार्थ हम बृहन्मति कहते हैं बहुत विशाल बुद्धि वाले को, तो हम बृहन्मति बनकर तेजस्विता से कार्य करते हुए इस प्रकार ज्ञान का प्रसार करें कि लोग हमें देव समझें, मतलब हम में दिव्यता आए, देवीय गुण आए, हमारे कार्यों में तेजस्विता हो परंतु तेजस्विता के साथ माधुर्य हो। तो ये नहीं है कि हमें घमंड हो जाए और हम लोगों से रुखाई से बात करें, ज्ञान के साथ जो है हम ज्ञान का प्रसार करें, लोग हमें देव समझे परंतु मधुरता भी हो हमारे अंदर। दूसरा मंत्र है ऋषिः बृहन्मतिरांगिरसः
देवता पवमानः सोमः छन्दः गायत्री स्वरः षडजः जानकी वर्षा परिष्क्रणवन्न निष्कृतं जनाय यातयन्निषः वृष्टिं दिवः परिस्त्रव। यह ब्रह्मति चारों ओर भ्रमण करता हुआ क्या करे। पहला कि अनिष्कृतम यानी अपरिष्कृत अशिक्षित असभ्य लोगों को परिष्क्रणवन यानी परिष्कृत शोभित व सभ्य बनाता हुआ विचरण करे, यानी जो लोग असभ्य हैं जाहिल किस्म के हैं उनको सभ्य बनाने की कोशिश करे। ब्रह्मति का उद्देश्य यह है कि यह लोगों के जीवनों को बड़ा सुसंस्कृत कर दे, यानी कि उनको जो है वो सत्यम शिवम सत्य शिव व सुंदर बना दे। इस उद्देश्य से वह जनाए यानी लोगों के लिए इशह यानी प्रेरणाओं को यातयन प्राप्त कराता है। सतत प्रेरणा ही लोगों के जीवन में परिवर्तन लाती है। हे ब्रह्मते तू दिवह यानी मस्तिष्क रूपी द्युलोक से वृष्टिम परिस्रव यानी कि सर्वत्र जान की वर्षा करने वाला हो। यह जान की वर्षा ही वासना संतप्त लोगों को शांति देने वाली होगी। तो जान की वर्षा तू करेगा तो जो वासना से संतप्त लोग हैं जिनको वासना सताती है तो जान की वर्षा जो है उनको शांति देगी। तो भावार्थ है कि ब्रह्मति का कर्तव्य क्या है कि पहली बात तो लोगों के जीवन को संस्कृत बनाए सुसंस्कृत बनाए और दूसरे उनको निरंतर प्रेरणा दे और ज्ञान की वर्षा करे, यानी लोगों को करेक्ट बिहेवियर उनको जो है सही राह दिखाए। तीसरा मंत्र है ऋषिः ब्रह्मतिरांगिरसः देवता पवमानः सोमः छन्दः गायत्री स्वरः षडजः संयमी स्फूर्तिमय पवित्र अयम स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ सिंधो रूर्मा व्यक्षरत। अयम यानी यह ब्रह्मति सह वह है यह जो सिंधोह यानी शरीर में स्यंदमान बहने वाले रेतह कणों की ऊर्मा यानी ऊर्ध्व गति होने पर रघुयामा तीव्र गति वाला शीघ्रता से अपने कर्मों में व्याप्त होने वाला पवित्र पवित्र जीवन वाला दिवह अपने मस्तिष्क रूप द्युलोक से अपरिव्यक्षरत सब प्रकार से चारों ओर विविध ज्ञान की धाराओं को प्रवाहित करता है। यहाँ ब्रह्मति की तीन विशेषताओं का उल्लेख है। पहला कि वह सोम या रेतस की ऊर्ध्व गति वाला हो, शरीर में ही सोम का पान करे जिससे आंगिरस यानी शक्तिशाली बना रहे। दूसरा कि रघुयामा यानी तीव्रता से मार्ग का आक्रमण करने वाला हो, इसके जीवन में स्फूर्ति टपके, इसके जीवन की स्फूर्ति लोगों के जीवन में भी स्फूर्ति का संचार करेगी। और तीसरा पवित्र, ये पवित्र जीवन वाला हो, स्वयं पवित्र होकर भिन्न भिन्न उपायों से सर्वत्र ज्ञान का प्रचार करे। तो भावार्थ है कि संयमी बने स्फूर्तिमय और पवित्र बनकर मैं विविध जानों का प्रकाश करूं, यानी कि खुद भी उसको दैवीय टाइप का होना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा और बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, तभी वो जो है दूसरों को जान बांट सकेगा। ऐसा नहीं कि जैसे इस्लाम का जो झूठा नबी था मोहम्मद, वो खुद तो इतना काम वासना से भरा हुआ था और लोगों को क्या शिक्षा देगा ऐसा व्यक्ति। चौथा मंत्र है ऋषिः ब्रह्मतिः देवता पवमानः सोमः छन्दः गायत्री स्वरः षडजः उत्तम व्याख्याता ओजस्वी वक्ता सुत एति पवित्र आतुषिम दधान ओजसा विचक्षाणो विरोचयन। यह ब्रह्मति आ एति यानी प्रजा के भीतर समन्तात गति करता है। कैसा बनकर? पहला तो सुतः, सुतम अस्यास्ति इति यज्ञ की भावना वाला, लोकहित की भावना, क्योंकि यज्ञ कहते हैं पूरे मानवता के कल्याण के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स आप करते हैं उनको यज्ञ कहते हैं। तो जो लोकहित की भावना पहला मुख्य गुण है जो प्रचारक के अंदर आवश्यक है। तो जो प्रचारक है वो कैसा होना चाहिए? लोकहित की भावना उसमें होनी चाहिए, अथवा सोम का उत्पादन करने वाला यानी ब्रह्मचारी होना चाहिए। उसके अंदर सोम का उत्पादन हो रहा है, मतलब कि वीर का रक्षण कर रहा है वो। सोम अर्थात शक्ति के बिना ये किसी भी कार्य को क्या कर पाएगा?
पवित्र, राग द्वेष मोह आदि मलों से रहित। अब देखो नबी जो था वो तो प्रचारक भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो पूरा काम वासना में था। राग राग उसके अंदर राग भी था, द्वेष भी था और मोह भी था। यहाँ तक कि डेथ के बाद भी वो चाहता था कि उसकी बीवियों की शादी और किसी से ना हो। औरों के समाने इसका जीवन ही तो आदर्श होगा। यदि इसका अपना जीवन मलिन होगा तो औरों का क्या पवित्र बनाएगा? गंदे कपड़े से आप कोई टेबल थोड़ी ना पहुंच सकते हैं, साफ कपड़े से ही पहुंचेंगे। तो जिसका अपना जीवन मलिन होगा, जैसे कि नबी मोहम्मद का था, तो वो औरों को क्या पवित्र बनाएगा? वो तो पेडोफिलिया ही फैलाएगा। तुषिम दधानह, दीप्ति को धारण करता हुआ, यह दीप्ति ही सामान्य लोगों पर विशेष प्रभाव डालने वाली होती है। चमकता हुआ चेहरा मुरझाए हुए चेहरे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ओजसा विचक्षाण, यह बड़ी ओजस्विता से विषय का व्याख्यान करता है। इसके बोलने का प्रकार बड़ा प्रभावशाली होता है। इसकी आवाज मरियल सी न होकर बादल की गर्जना के समान होती है। विरोचयन, अपने शब्दों के प्रभाव से यह जनता के चेहरों पर उत्साह की चमक पैदा करता है और उनके हृदयों को ज्ञान के प्रकाश से भर देता है। तो भावार्थ है, ब्रह्मती अपनी जान की ज्योति से औरों को भी ज्योतिर्मय कर डालता है। यानी अपना एक चिराग से दूसरा चिराग या एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, ऐसे ही ये सब में जान की ज्योति जलाता है। पांचवा मंत्र है, ऋषि ब्रह्मती देवता पवमान सोम छंद गायत्री स्वर षडज मधुसिक्त वाणी से आविवासन परावतो अथो अर्वावतः सुतः इंद्राय सिच्यते मधु। यह सुतः यानी यज्ञशील अथवा सोम का संपादन करने वाला ब्रह्मति परावतः दूरस्थ लोगों के साथ उ और अर्वावतः समीपस्थ लोगों के आविवासन अंधकार को दूर करने वाला विवास यानी टू बैनिश होता है। यह ब्रह्मति दूर व समीप सर्वत्र भ्रमण करता हुआ अंधकार को दूर करने के कार्य में लगा रहता है। इस कार्य में लोग इसके साथ कटु व्यवहार भी करते हैं, परंतु यह अपने व्यवहार में कटुता नहीं आने देता। यानी लोग इसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना करें, पर यह अपने व्यवहार में कभी कटुता नहीं लाता। यह अपनी इंद्रियों पर काबू रखता है और इस इंद्रा यानी जितेंद्रिय के लिए मधु सिच्यते वाणी में मिठास का ही सेचन होता है। ये कभी कड़वी वाणी नहीं बोलता, हमेशा मीठे से बोलता है। मधु से सिक्त इसकी वाणी रहती है। तो भावार्थ है, ब्रह्मती यानी कि जो बहुत जान वाला है, वो सदा मधुर वाणी से, चाहे वो समीपस्थ लोगों या दूरस्थ लोगों के अज्ञान को दूर करने के लिए प्रयत्नशील होता है। छठा मंत्र है, ऋषि ब्रह्मती देवता पवमान सोम छंद गायत्री स्वर षडज प्रभु स्मरण व सत्कर्म समीचीना अनुषत हरिम हिन्वंत्यद्रिभिः इंदुमिंद्राय पीतये। ये ब्रह्मती लोग ब्रह्मती कैसे बन पाए? इसका उत्तर प्रस्तुत मंत्र देता है कि समीचीना सम अंच उत्तम गति वाले होकर प्रत्येक कार्य को उत्तमता से करने का प्रयत्न करते हुए ये हरिम यानी सब वासनाओं के हरने वाले तथा इंदुम सब शक्तियों से संपन्न प्रभु की अनुशत स्तुति करते हैं। ये प्रभु को न भूलकर ही कार्य करते हैं, अतः इनके कार्य पवित्र होते हैं। प्रभु को सब शक्तियों का स्रोत समझने से इन्हें उन कार्यों का गर्व भी नहीं होता, यानी घमंडी नहीं होते। ये सब कार्य प्रभु के लिए करते हैं पर घमंड नहीं करते। इस प्रकार इनकी पवित्रता व निरभिमानता बनी रहती है। ये अद्रभिह यानी आदरणीय व्यक्तियों के साथ ही हिनवंती सदा गति वाले होते हैं। यह सत्संग उन्हें सत बनाने में सहायक होता है। प्रभु स्मरण और सत्संग इन दो कार्यों को ये इसलिए करते हैं क्योंकि पहली बात इंद्राय यानी इंद्र शक्ति के विकास के लिए, इंद्रियों के दास न बन जाने के लिए, तथा दूसरे पीतये अपनी रक्षा के लिए, अपने जीवन को वासनाओं से सुरक्षित रखने के लिए। तो भावार्थ है कि प्रभु स्मरण व सत्संग हमारी इंद्र शक्ति का विकास का कारण बनते हैं। यानी कि हमारी इंद्रियों की शक्ति क्या चीज देती है? अगर हम प्रभु को स्मरण करते रहें और सत्संग करें और हमारे जीवन को, हमारे जीवनों को वासनाओं से सुरक्षित रखते हैं, तो हमें जो है वो
यही बनना है ब्रह्मति। जो कि कौन है ब्रह्मति? वो है जो बहुत ज्ञान वाला व्यक्ति है, विशाल बुद्धि वाला है। तो आज के लिए इतना ही था, और जितने लोग देख रहे हैं उनको बहुत साधुवाद। मैं अपने घर से बाहर हूँ और इसलिए मैं यहाँ पर बहुत कुछ टाइप नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप सभी लोगों को बहुत साधुवाद जो देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे। और ईश्वर करे कि आप स्वस्थ रहें, और जय सनातन हिंदू राष्ट्र। और अब मैं ऋग्वेद पढ़ूंगी। जय श्री राम।